हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक्सेल में ह्यूमन की एज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हम आपको ले चलते हैं एक्सेल की सीट पे। एक्सेल, ओके, ये हम आ चुके हैं एक्सेल में। ये देखिए, हम आ चुके हैं एक्सेल की सीट में। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हमको निकालना है बर्थ कैलकुलेशन, मतलब एज कैलकुलेशन करना है हमको। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे डायरेक्ट इनको सेलेक्ट करते हैं इतना। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हमको मर्ज करना है और यहाँ पे डालना है एज कैलकुलेशन। एज कैलकुलेशन डायरेक्ट को सिलेक्ट करके जूम कर देते हैं। आप कलर फिलिंग बाद में करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हम नेम डाल लेते हैं। फर्स्ट बॉक्स में हम डालेंगे नेम। ओके, नेम। सेकेंड बॉक्स में हम डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। थर्ड में हम डालेंगे प्रेजेंट डेट। प्रेजेंट डेट का मतलब होता है आज जो डेट अभी चल रही है। प्रेजेंट डेट। ओके, उसके बाद हमको डालना है एज जो हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, एज। हम इनको सेलेक्ट करके डायरेक्ट फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ उस पर क्लिक करने से ये अपना साइज अपने आप डिसाइड कर लेगा। ओके, यहाँ पे हम नेम डालते हैं जैसे कि संदीप कुमार। उसके बाद डालते हैं करण गुप्ता सनी रावत। उसके बाद डाल देते हैं यहाँ पे आशीष शर्मा। उसके बाद डाल देते हैं हम, बस इतना काफ़ी है। ओके, आशीष शर्मा के बाद लाओ एक नेम और डाल देते हैं, आशीष शर्मा। यहाँ डाल देते हैं राजा वर्मा। ओके, तो इस पर हम डायरेक्ट ऊपर जाके इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है हमको। किसी की डेट ऑफ बर्थ जो आप चाहो वो डाल सकते हो। पहले आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने से पहले सबसे पहले आपको एक काम करना है कि इन सबको सेलेक्ट करके इसमें जाना है, इस ऑप्शन पे। उसके बाद आपको शॉर्ट डेट सेलेक्ट करना है। ओके, अब इसमें आपको डेट डालना है। इसमें आप डेट डालोगे तो वो डेट के फॉर्म में आएगा। ओके, नहीं तो अगर आप पहले डेट डालोगे उसमें तो वो जर्नल फॉर्म में आएगा, एज कैलकुलेट नहीं होगी। ओके, तो अब आपको यहाँ डेट डालनी है 2/5/1989। ओके, और यहाँ पे डालते हैं 4/4/1877। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे आया नहीं है भाई, सही, ये डेट फॉर्म में ही है। यहाँ पे हम डाल देते हैं 4/4/1897। हम यहाँ पे डालते हैं 5/2/1995, 6/4/5/6/5/2000। यहाँ पे डालते हैं 2/5/1999। ओके, ये हो चुका है। इसमें क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पे हम डालेंगे, पहले इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे जाके डायरेक्ट शॉर्ट डेट, अब यहाँ डालते हैं 6/2/1977। ओके, हो गया सेलेक्ट।
अब यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है, पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद सॉर्ट डेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको डेट डालना है। ओके यहाँ पे डालेंगे हम, यहाँ पे सभी को एक ही डेट डाल देते हैं, जैसे कि 4/5/2022। ओके यही डेट हमको सब में डालनी है, तो हम डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे और ट्रैक कर देंगे। ओके फोर डालनी है भाई, 4। ओके यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ट्रैक करेंगे, अब सेम है। अब यहाँ हमको एज कैलकुलेट करनी है। एज कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको फार्मूला दिखाई दे साफ साफ। इक्वल डेट डिफ, डेट डिफ के बाद है आपका स्मॉल ब्रैकेट ऑन, फिर डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है, उसके बाद कॉमा, फिर प्रेजेंट डेट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके नहीं, पहले लगाना है कॉमा, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद लिखना है वाई, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके ये एज कैलकुलेट होके आ गई, तो दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल डेट डिफ स्मॉल ब्रैकेट ऑन, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कॉमा प्रेजेंट डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है वाई और ब्रैकेट बंद, एंटर। ओके अब इन दोनों को सेलेक्ट करके डायरेक्ट ट्रैक कर देते हैं, सभी में आ जाएगा। ओके तो इतना ही था आज के लिए बस। तो आपकी ये एज कैलकुलेट होके आ चुकी है, ठीक है। ओके अब हम इसको हाईलाइट करते हैं, सेलेक्ट ऑल, ओके Ctrl+7 A, Ctrl+A करने से सारा सेलेक्ट हो जाता है। ओके Ctrl+A सेलेक्ट ऑल। अब हम इसमें थोड़ा कलर वगैरह कुछ भर लेते हैं। ओके इसमें पहले इसको कर देते हैं बोल्ड। ओके अब हम ये इतना सेलेक्ट करके इसमें कलर करते हैं येलो, येलो एंड ब्लैक माय फेवरेट कलर। ओके एंड दिस वन, इसको सेलेक्ट करके हम डायरेक्ट अपने हिसाब से जो कलर चाहें कर सकते हैं। ओके इन दोनों में सेम कलर कर देते हैं, इसमें इसमें भी येलो कर देते हैं, और यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर करेंगे ब्लू और ब्लैक, रहने दो। ओके अब इसमें हमको सेलेक्ट करके इसमें हम लगा देते हैं बॉर्डर, इस ऑप्शन पे जाके हमको ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करना है, बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद थिक बॉर्डर, थिक बॉक्स बॉर्डर, एक बॉक्स क्रिएट होगा उसमें बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएगा। ओके ये हमने कुछ ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया इसलिए इसको स्मॉल कर देते हैं। ओके पहले इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, ओके यहाँ से हटा देते हैं इसको, यहाँ से हटा के इतना सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद मर्ज करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये एज कैलकुलेशन। ओके अब इसको हम सेलेक्ट करके डायरेक्ट हम इसमें कुछ भी इसमें कलर फिल कर सकते हैं, इसमें हम कलर फिल करते हैं येलो एंड ब्लैक। ओके तो आज के लिए गाइस इतना ही, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।